गाइस वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। तो आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि आज जैसे कि आपको पता है कि लास्ट व्लॉग के अंदर हमने आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप करी थी घर के अंदर ही, और रक्षा एक हाथ से राइट हैंड साइड से जीत गई थी। तो आज रक्षा के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ प्रेजेंट या कोई गिफ्ट लेके आया जाए। तो आज जाते हैं रक्षा की गिफ्ट की शॉपिंग करने, और सेकेंडली जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो रक्षा बताएगी अभी। जी रक्षा बताइए, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है आज का? मेरी आईब्रो बनाना। तो गाइस एक बात बताओ, जब आपकी बीवी आपसे ऐसी ऐसी डिमांड्स करने लग जाए तो क्या करा जाए? मेरे को बोलती है कि आज मेरी आईब्रो बना दो आप। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये आईब्रो जो बनाने का जो ये सिलसिला है ना, ये कब से शुरू हुआ? लॉकडाउन से। तो बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे जब हम बार बार नहीं जाते थे, थोड़ा घर पे ही रहते थे, तो एक दिन मैंने रक्षा मेरे को बोलती कि मेरी ना आईब्रो थोड़ी सेट कर दो, कहीं ना जाना है आज मेरे को, तो सुबह जाना होगा किसी अपनी फ्रेंड व्रेंड के साथ। तो मैंने कर दी उस दिन। मैं थोड़ा अपनी दाढ़ी सेट कर रहा था और मैंने अपने ट्रिमर से उसकी आईब्रो सेट कर दी। रक्षा को ज़्यादा ही पसंद आ गई। मेरे को ना हर दो तीन महीनों के बाद बोल देती है अपनी आईब्रो सेट करने के लिए। तो मैं सच बता रहा हूँ, इस डिमांड को ना बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था, पर इस वीडियो के लिए, इस व्लॉग के लिए मेरे को ये भी करना ही पड़ेगा लगता है। तो देख लो गाइस क्या क्या करना पड़ता है व्लॉग के लिए। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल यार। तो रक्षा वाले ये भी बता दो अब जाने से पहले कि क्या बना रहे हो आज आप खाने के लिए, बताओ। सरप्राइज तो नहीं आज भी? Another surprise. नहीं seriously, क्या बना रही है बताना? चिल्ला। चिल्ला? सही है, चिल्ला तो सही है। तो गाइस आजकल सुबह ना एक्चुअली रक्षा और मैं ना उठ के काफी बातें करने लग जाते हैं, उस चक्कर में मैं थोड़ा लेट भी हो जाता हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा लेट हो ही गया हूँ, क्योंकि यूजली मैं 9 बजे पहुंच जाता हूँ हॉस्पिटल, 9:15। तो अभी टाइम हो गया 8:30 और मैं जल्दी से तैयार होता हूँ 2 मिनट में, और फिर आपको मिलता हूँ इसी काउच पे। तो गाइस फाइनली ऑल सेट एंड रेडी, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए मैंने, नहा लिया हूँ और मॉल फ्रेश। अभी खाते हैं ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, और हॉस्पिटल के बाद फिर मोस्ट प्रॉब्ली दोपहर को 2:30 बजे चलते हैं शॉपिंग के लिए। मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ रक्षा के लिए आज बढ़िया सा लूँ मैं। रक्षा बहुत दिन से मेरे को बोल रही है कि मेरे को ना हैट चाहिए, एक जो होती है ना अमेरिकन टाइप हैट्स जो होती हैं, जैसे कि जिसके अंदर जैसे कि कॉबॉय हैट्स टाइप, तो कुछ वैसा टाइप मैं लूँगा आज रक्षा के लिए, और मन कर रहा तो खुद के लिए भी ले लूँगा। तो अभी ना जस्ट हमने खाना वगैरह खाया, ब्रेकफास्ट कराया, अभी मम्मी बैठे थे मेरे साथ ना यहाँ पे, तो इस जगह में मम्मी बैठे तो अभी उठ के चले गए। मेरे मम्मा थोड़े से कैमरा शाये हैं यार, नहीं तो मैं चाहता हूँ कि वो भी वीडियो में आए, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं और बातें शातें करें थोड़ा, यू नो, तभी अच्छा लगता है। बट हो सकता है विद टाइम, जैसे रक्षा आ गई तो मम्मा भी विद टाइम इन्वॉल्व हो जाएंगे वीडियोज़ के अंदर। तो गाइस देखो बहू और सास दोनों कैसे बातें कर रहे हैं बैठ बैठ के यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं इस रूम में आया तो मेरी चुगली चल रही थी यहाँ पे। वाह जी वाह, मतलब बंदा जाए कमरे से बाहर और चुगली चालू। तो गाइस अभी हम जस्ट घर से हॉस्पिटल की तरफ निकले हैं, तो अभी रास्ते में क्या हुआ, मैं रक्षा मेरे को बोलती कि मैं ना पैसे लेके आई हूँ पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है वॉलेट के अंदर ज़्यादा पैसे कैरी करने के। मैं यूजुअली कार्ड्स वगैरह कैरी करता हूँ, वहीं से पेमेंट करता हूँ। तो मैंने दिखाया, मैंने अपना वॉलेट निकाला, मैं कहा आज तेरे को जरूरत नहीं थी, आज मैंने भी बहुत सारे पैसे रख रखे हैं अपने वॉलेट में, मेरे को पैसे दिखाने दो। और साथ ही रक्षा ने तो 1000 रुपये ले लिया उसमें से। तो भाई साहब अपनी बीवियों को कभी भी ज़्यादा पैसे मत दिखाओ, क्योंकि वो अपना कट ले ही लेंगे हमेशा, है रक्षा? वो तो पत्नी धर्म है, बोल लेना। मेरे को बोलती है कि ये मेरे पत्नी धर्म के पैसे हैं। ठीक है, पत्नी धर्म के पैसे ले लो, प्रॉब्लम्स। रवि जा रहे हैं रक्षा के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट ढूंढने, तो यहाँ पे पास में ना एक मॉल है, तो मॉल में जाके चेक करेंगे, शायद वहां से मिल जाए। तो गाइस अभी जैसे इसी मॉल में पहुंचे हम, और यहाँ पे इस मॉल में चेक करेंगे अगर रक्षा का जो मेरे को सरप्राइज देना है वो मिलता है यहाँ से, तो यहाँ से कुछ ना कुछ देखते हैं, खरीदते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे गाइस अभी जस्ट PVR खुला है, ये नया ही मॉल खुला है हमारे हॉस्पिटल के बिल्कुल पास ही है ये, तो विल सी यू आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द मॉल। तो गाइस जस्ट अभी मॉल से निकले हैं अंदर, मैंने कोशिश करा था कैमरा वगैरह चलाने की, तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बोल रहे थे कि नया नया मॉल बनाया अभी, तो अभी फिल्मिंग ना करो अभी, मतलब वीडियो ना बनाओ। तो बट हमने जो हम करने गए थे, मतलब मैंने 5-7 दुकानें देखी, उनमें से एक दुकान पे बड़ी मुश्किल से ये दोनों की चीज, दोनों चीज़ें मिली हैं, जो आपको घर जाके खोल के दिखाता हूँ कि क्या खरीदा है हमने रक्षा के लिए, और फाइनली चलो जो भी हुआ सक्सेस हो गया। तो गाइस अभी जस्ट हॉस्पिटल से आया हूँ मैं, और कपड़े वगैरह बदले हैं, शावर लिया है, और फीलिंग फ्रेश। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं रक्षा के लिए क्या लेके आया हूँ। तो गाइस ये वाली है, वाइट वाली है रक्षा की, और ब्राउन वाली है मेरी, और ये दोनों इतनी मुसीबत से मिली है ना, मैं कम से कम 5 या 6 दुकानें मैंने ट्राई करी है, फिर कहीं जाके मिली है मेरे को, और फाइनली सेटिस्फाइड। अभी रक्षा को बुलाते हैं और रक्षा का रिएक्शन चेक करते हैं। रक्षा आ जाओ।
चेक दिस आउट। वाह यार, यार ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू। यही वाली एग्जैक्टली ये वाली। तो गाइस रक्षा ने ना पहले मेरे को फोटो दिखा दी थी कि मेरे को व्हाइट कलर की चाहिए, तो मैंने एग्जैक्टली व्हाइट कलर की ना, ये टिपिकल जूट में होता है ये ना, बड़ा क्यूट सा। बड़ी मुश्किल से मिली रक्षा, पूछ मत। कम से कम नहीं तो एटलीस्ट मैंने 5-6 दुकानें ट्राई करी है तब मिली है, उस बड़े वाले जो नया वाला मॉल था। तो यू लाइक इट? बहुत ज्यादा। देखो, अरे वाह यार, ये लुकिंग क्लासी। मेरी वाली कैसी लगी? ब्राउन वाली, वो वाली भी अच्छी है, क्लासी लग रही है ना। अगले ट्रिप में बहुत काम आ जाएगी। देखो जो अपनी ट्रिप आने वाली है ना, जस्ट उसमें इट लुक गुड टू यू। मैं भी डाल के दिखाऊंगा गाइस, अगर आप चाहते हो तो मैं भी दिखाता हूं। चलो रुको। तो गाइस फाइनली हम दोनों को देख लो आप, मैंने ये वाली ली है और रक्षा ने ये वाली। दोनों अच्छे लग रहे हैं वैसे, है ना? तेरी वाली ज्यादा क्यूट है, पर मेरी थोड़ी फॉर्मल टाइप से है ना। आपकी मुझे भी अच्छी है। ठीक है, तो गाइस फाइनली मिशन सक्सेसफुल। बताना यार कैसा लग रहा हूँ मैं, कमेंट्स करा करो यार थोड़े से प्लीज। कमेंट्स में तो पता चलेगा आपको पसंद आ भी रही है, वीडियोस नहीं आ रही, कौन सा पार्ट पसंद नहीं आ रहा तो बताओ यार। ओके गाइस, फाइनली वो टाइम आ गया वो काम करने का जो मेरे को करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है रक्षा की आईब्रोज ट्रिम करना। तो भी करते हैं स्टार्ट। गाइस फाइनली मैंने रक्षा की आईब्रोज का काम कर दिया है और पसंद आई आपको? अगर आपकी लव्ड वन आपको ऐसा कुछ करने के लिए बोलती है तो उनकी हेल्प कर दिया करो यार। और यार कई लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई ऐसे ये वाले काम कर रहे हैं थोड़ा कम मैनली है। मेरे हिसाब से तो अगर आपको आपके लव्ड वन से बहुत ज़्यादा प्यार है तो आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हो, और मेरे हिसाब से तो ये बहुत मैनली है। तो मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड को मिलने, और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। सो आई टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कीप ऑन गिविंग योर लव एंड सपोर्ट टू अस। थैंक यू सो मच।